नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम चुनावी है और यहां पर जो परिणाम सामने आए हैं उनसे जो माहौल है चुनावी उसमें हलचलें मच गई हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी यहां पर बड़ी सफलता की उम्मीद कर रही थी। सफलता तो नहीं मिली, पर यहां पर हाशिए पर जरूर गए हैं, क्योंकि जो परिणाम यहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आए हैं वो परिणाम की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कि जिस तरह से लोग वहां पर सरकार बनाने की बात कर रहे थे कांग्रेस, वहां पर स्थिति उलट रही, यानी कि वहां पर 60, 65, 69 सीटें आना बताती हैं कि जनता ने आपको सिरे से नकारा है। हालांकि तमाम जगह सीट जो जीत है बहुत करीबी रही है, पर करीबी रहने के बावजूद यहां पर मंथन की आवश्यकता है। चुनाव क्यों हारे, कारण क्या रहा, दगाबाजी और या फिर अंदर का भीतरघात या फिर अंतरकलह या फिर मतदाताओं का भरोसा नहीं जीत पाना। यहां पर जो चर्चा है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि चर्चा यहां पर गारंटी की भी है और चर्चा यहां पर विश्वास की भी है। जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, शिवराज सिंह चौहान ने, रमन सिंह ने मेहनत की, वो यहां पर काबिले तारीफ थी। ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और अथक मेहनत का ही परिणाम है कि बीजेपी यहां पर 3 राज्यों में सरकार बना चुकी है, बड़ी सफलता। और जो सेमीफाइनल कहा जा रहा था वो सेमीफाइनल यहां पर बीजेपी ने जीत लिया है। हालांकि सेमीफाइनल के बाद फाइनल में पहुंचना नहीं होता है, पर चूंकि यहां 24 चुनाव है और यहां पर लोकतंत्र है, इसी यहां पर फाइनल भी होगा। फाइनल होगा 2024 में। अभी फाइनल जीतेगा कौन, अब यहां पर संशय थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला है, बड़ी जीत मिली है, वो भूमिका यहां पर 24 चुनाव में महत्वपूर्ण एक उद्देश्य निभाती नजर आएगी। हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी एक संजीवनी की तरह बेहतर तरीके से उत्साह के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही थी, पर जिस तरह से यहां पर फैसले आए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उससे यहां पर एक मन में संशय आ चुका है कि लड़ाई यहां पर बहुत बड़ी है। लड़ाई यहां पर ऐसी है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां पर बात कही जा रही थी कि हम बीजेपी को चुनौती देंगे, यहां सुपड़ा साफ कर देंगे और सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी से उतारने की शुरुआत 5 राज्यों के चुनावों से होगी। पर यहां पर जिस तरह से हिंदी भाषी राज्यों में भारत का एक जो एक बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसका कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसकी जीत लगातार बढ़ती चली जा रही है, वो स्पष्ट करती है कि 24 चुनाव भी एक तरफा ना हो जाए। कि जिस तरह से यहां पर INDIA गठबंधन में आपसी कलह रही, उसके पीछे भी तमाम वजह रही। जहां पर जिस तरह से हम देख रहे थे, अखिलेश यादव ने खुले मन से कहा था कि कांग्रेस धोखे देने वाली पार्टी है, उसको वोट ना दें, के कारण ये भी हो सकता है। पर यहां पर ये जो फैसले हैं ये समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत अच्छे साबित नहीं हुए हैं। 69 सीटों पर लड़े और वहां पर हार गई, एक सीट भी नहीं मिली। बहुजन समाज पार्टी भी यहां मध्य प्रदेश और तमाम जगहों पर लड़ी, पर केवल राजस्थान में 2 सीटें मिल पाई हैं। हां, एक पार्टी जरूर यहां फायदे में रही है, वो है RLD, जिसको 1 सीट मिली थी और वो 1 सीट वहां जीत कर आई है। तो यहां पर रालोट की भूमिका तब भी बेहतर रही है, पर समाजवादी पार्टी को यहां पर नोटा से कम वोट मिला है। आम आदमी पार्टी को नोटा से कम वोट मिला है। नोटा यानी नन ऑफ द अबव, यानी मुझे कोई पसंद नहीं। जब वो बटन दबता है तो इसका अर्थ है कि उनको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, यानी उस नोटा से भी कम वोट आना समाजवादी पार्टी के लिए, बसपा के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। अब इस खतरे की घंटी को कौन कितना समझ पाता है वो भी यहाँ पर लाजमी है, कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रमुख मध्य प्रदेश में भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यालय बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी एक सवाल बड़ा है कि पहले उत्तर प्रदेश को बेहतर कर ले, मध्य प्रदेश की बात बाद में होगी, क्योंकि यहां पर 69 सीटों पर चुनाव लड़कर उन्होंने देख लिया है कि यहां पर पुराने जो नतीजे हैं वो भी नहीं दोहरा पाए, कभी 2 और कभी 1 विधायक यहां हुआ करता था। इस हार का मंथन केवल ये नहीं कि व्यवस्थाओं को देखना है, इस हार का मंथन ये भी है कि आपने अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को यहां पर खराब कर दिया। कार्यकर्ता ने मेहनत की, चुनावी सभाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी उम्मीदें जीवंत रखी, पर उम्मीद उसी समय धराशायी हो गई थी जब यहां पर पार्टी में अंतर्कलह की बात सामने आने लगी थी और ये कहा जा रहा था
कि यहाँ पर जीत का सूत्रधार भले ही कोई ना बने, पर हार के तमाम सूत्रधार बन चुके हैं और सबकी यहाँ पर बातें बता रही थी कि यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं में आपसी कलह यहाँ पर पार्टी को ले डूबी। और यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में यही हुआ है, जहाँ पर कहा जा रहा था कि सीएम चेहरे के लिए यहाँ पर कमलनाथ की बात चल रही थी, तो उसके साथ यहाँ पर दिग्विजय सिंह की खटपट सरेआम नजर आ रही थी। महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ नितिन सिंह यादव समाजवादी पार्टी जुड़ चुके हैं, पंडित राज शर्मा कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, सईद मोहम्मद तकी या आम आदमी पार्टी से अपनी राजनीति के, और विशेषज्ञ रूप में हमारे साथ भाई गजेंद्र त्रिपाठी जी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा पंडित राज शर्मा से। राज भाई, बधाई दूं तेलंगाना की, यहाँ पर सहानुभूति करूं तीन राज्यों की, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे, तेलंगाना जीत की पर सहानुभूति नहीं, मैं तो आपको बधाई भी दूंगा, तेलंगाना आपने बहुमत से साथ जीता है, पर वो सिलसिला यहाँ पर जीत का राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं दौड़ पाए। मध्यप्रदेश तो आपको पहले भी नहीं था, पन्ना महीने सरकार वहां चलाई थी, पर जिस तरह से आप यहाँ कह रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे कि सुपड़ा साहब सेमीफाइनल जीत रहे हैं, 24 की तैयारी पूरी है, कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, हमने रैलियां भी देखी, जनसभा भी देखी है, पर अगर यहाँ पर चुनाव हारे हैं तो वजह क्या रही? क्योंकि यहाँ पर लगातार चर्चा ये चल रही थी कि बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, पर यहाँ पर सारे नतीजे, सारी रणनीति और सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो गई। गौरव भाई, मैं एक चीज तो जरूर कहूंगा कि प्रजा ने भरपूर वोट दिया, इसमें दो राय नहीं, अगर कमी हमारी रह गई तो वो पार्टी की तरफ से करें। मैं आज दिल की बात बोलूंगा, मैं रहूं ना रहूं मगर दिल की बात जरूर कहूंगा जी, कि प्रजा तो हमारी तरफ आने को तैयार बैठी, शायद हम ही लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए या ले नहीं पाए। हमें नहीं हारना, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में भी घुमा, राजस्थान में घुमा, छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें हमें प्रजा के प्रति एक विश्वास जताना होता, मुझे लगता है शायद हम 1-2% विश्वास जताने में कमी रख गए। अच्छा। हमारा एक मानना है, मैं एक बात दिल की कहूंगा, मुझे किसी का किसी से डर नहीं है। अच्छा। मैं बिल्कुल ब्लंटली कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, मैं दिमाग कभी नहीं चलाता गौरव भाई। अच्छा। लेकिन प्रजा हमें जिताना चाहती थी। अच्छा। प्रजा हमें जिताना चाहती थी, उसने भरपूर वोट दिया, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी भाई 2-3% ज्यादा ही रही, या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1 जगह 4% रही, हालांकि सरकार को 1% से बढ़ जाती है। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे आपसी जो हम संदेश भेजना चाहते थे, जो हमें संदेश भेजना चाहिए था, उसकी डिलीवरी हमने सही से नहीं करी, और यही हार का कारण। अब हमें आत्ममंथन करना होगा। राहुल जी इतनी मेहनत करते हैं, प्रियंका जी इतनी मेहनत करते हैं, खड़गे जी इतनी मेहनत करते हैं, क्या उसकी 10% राज शर्मा मेहनत कर रहा, क्या सारा ठीकरा राहुल जी का, क्या सारी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी जी की है, मेरे जैसे कार्यकर्ता की नहीं है? मैं आज इस बात को कहता हूं कि इस हार की जिम्मेदारी मेरे जैसे कार्यकर्ता, अच्छा, जो अपनी बात नहीं कह पाया, जो अपने को प्रेजेंट नहीं, अच्छा, आपने पूरे नेताओं की कंधे का फल खुल भुगत लिया, यानी कार्यकर्ताओं पर दोष मढ़ दिया। बिल्कुल, मैं मेरे जैसा कार्यकर्ता, अच्छा, अच्छा, हम लोग आपस में नहीं। अरे एक और बात कहता चाहता हूँ ना, मैं हिंदू हूँ जी, मैं हिंदू हूँ, अगर मेरी पार्टी कांग्रेस है, हालांकि कांग्रेस कोई गलत काम नहीं करती, गलत बयान नहीं देती, मैं एक आगाह आपके चैनल से करना चाहता हूँ, नेतृत्व से, कि अगर हमारे गठबंधन का व्यक्ति, गठबंधन की पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर सनातन धर्म या हिंदू के लिए गलत शब्द कहे, उस पर एक्शन होना चाहिए। अच्छा। नहीं चाहिए ऐसी सत्ता, अच्छा, जो हमें अपनों से दूर करे, नहीं चाहिए सत्ता भाई, क्या करना। राज भाई, आपको लगता कि ज्यादा बयानबाजी नुकसान कर गई यहाँ पर, कुछ ज्यादा बोलना नुकसान कर गया, ज्यादा उपहास उड़ाना नुकसान कर गया, ये प्रधानमंत्री के एक शब्द के साथ जोड़ना नुकसान कर गया? बिल्कुल बिल्कुल, मानते इस बात को, मैं मानता, चलिए ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जी। ये देश हमारा है जी। और हर व्यक्ति हमारा है जी। और हर जाति हमारी है, लेकिन मैं आपको अपना बनाने के लिए ऐसा ना हूं कि अपने बच्चे को भी भूल जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बात, ठीक है। प्रवक्ता भाजपा
देशबंधु भाई बधाई हो आपको, पर यहाँ पर नुकसान भी तेलंगाना हुआ है, पर वहां पर फायदा यह है कि एक सीट में 7 सीट जोड़ के 8 सीट पर आ गए, परचम वहां भी लहरा लिया। पर जो 3 राज्यों में जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है आपको, मेरे ख्याल से उम्मीद आपको भी नहीं रही होगी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की लगातार वहां पर मेहनत चल रही थी, संशय था, पर जनता ने आपको विश्वास दिखाया है। पहला सवाल तो ये रहेगा, क्या जो जो मैनिफेस्टो में कहा है वो पूरा होगा, और कब पूरा होगा, ये भी बड़ी प्रश्न यहाँ पर है। और दूसरा देशबंधु भाई, इस जीत के मायने क्या है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि सुपड़ा साफ करेंगे 24 के लिए, यहाँ पर बीजेपी का परचम यहाँ पर 3-5 राज्यों में चुनाव में जो हुआ है वहाँ रोक दिया जाएगा, पर यहाँ पर 3 राज्य जीत कर आए हैं और नारे भी लग रहे हैं अब की बार 400 पार, कैसी नारे के साथ जाएंगे, और ये जीत अति विश्वास आपको 24 के लिए नुकसान तो नहीं होगा? नहीं गौरव भाई, यहाँ बैठे सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत शुभ संध्या, और प्राइम टीवी के दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए विनम्रता पूर्वक आपने बधाई दी, मैं स्वीकार करता हूँ, और यह बधाई जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अच्छा, और सर्वप्रथम कोटि कोटि उनको प्रणाम करते हुए जो ही चेहरा थे, अच्छा, और आपको बता दें आज भी संसद में देखिए बड़ी प्रसन्नता हुई, अच्छा, और दूसरा आप सभी मीडिया बंधुओं को और मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, और पांचों राज्यों की उस जनता को जिन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर मतदान किया और विश्वास जताया। अच्छा। देखिए बार बार मोदी सरकार, मैं बहुत पहले भी कहता था, और चूंकि वह मेरी कर्मभूमि भी रही मध्य प्रदेश, और कल आपको बताऊं मेरे पास असंख्य फोन आए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, असंख्य फोन आए, क्या वहाँ शिक्षा नहीं, वो मेरी कर्मभूमि रही और गुरुकुल, अच्छा, भी संस्थान भी रहा, अच्छा, और आपको बता दूं चाहे भारतीय जनता पार्टी की ये कोटि कोटि जनता की, और देखिए हम आपको कहे थे आज, देखिए विनम्रता पूर्वक प्रधानमंत्री ने भी सदन के बाहर कहा कि जो नकारात्मकता है उसको अगर ये छोड़ दें तो कहीं विपक्ष हमारे आगे टिकता नहीं, और मैंने कहा था रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। आपने जिन अपशब्दों को इस्तेमाल किया, अरे देश के प्रधानमंत्री उनके लिए भी और हिंदुत्व के लिए भी, अच्छा, बहुत सारी चीजें बैठी थी यहाँ, वही प्रवक्ता बैठे हैं, राज्य बैठे हैं, और सपा के भी और आम आदमी पार्टी के तकी भाई भी बार बार कहते थे। देखिए नैरेटिव सेट था, हम लोग धरती पे काम करते हैं और एक एक कार्यकर्ताओं से जुड़ा रहा, गौरव भाई संगठन में रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन, चाहे बूथ मैनेजमेंट कह लीजिए, मैनेजमेंट कैंपेन कह लीजिए, चाहे रणनीति कह लीजिए, चाहे एक एक बूथ पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो चाणक्य भी कहे जाते हैं उनका, अच्छा, उनका नैरेटिव रहा, और हमको देखिए ये अंदर खाने थी, और मैं देखिए बार बार भी कहता था, अभी भी मैं कह रहा हूं, और आपको बता दूं विश्वसनीयता बहुत बड़ी बात है, जो आज देखिए बार बार संसद के पटल पर भी सारे सांसद कह रहे, बार बार मोदी सरकार, देखिए जब आप यह कहते हुए नजर आएंगे कि विधानसभा के लिए यह गठबंधन नहीं, जिस इंडिया पे मैंने भी पहले बोला आपकी टिप्पणी पे, आप कहेंगे यह गठबंधन लोकसभा पे, तो जनता इस चीज को समझती है कि यार ऐसा कैसा गठबंधन है कि लोकसभा में तो साथ हैं और राज्यसभा में नहीं है, तो ये हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं और जिम्मेदारी जो कही। और दूसरे प्रश्न का मैं इसी के साथ जवाब दे दूं आपका, आपने जो कहा हमारे जो संकल्प पत्र में है, तो देखिएगा पर्यवेक्षक जा रहे हैं और मेरे ख्याल से 2-3 दिन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हो जाएगा, और हमारा शीर्ष जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, अच्छा, वो वहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाता है, और उसके बाद देखिएगा आने वाले 100 दिनों में क्या बात? हम गारंटी पूरी देंगे, और हमने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से भाजपा प्रवक्ता कह रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी 4 स्तंभों पे है, गरीब के लिए है, युवा के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, महिलाओं के लिए, जो मातृशक्ति ने आपने देखा, मैंने कहा था इन्होंने बहुत बार कहा मातृशक्ति, लेकिन आपने देखा लक्ष्मी योजना, लक्ष्मी लाडली योजना ने कितना भरपूर समर्थन में आपको 50% से ज्यादा वोट मिले, और आपने देखा कि इतनी प्रचंड जीत हुई। मेरा सवाल ले, मैं पुनः जो है मैं सवाल लूंगा तीनों राज्यों की जनता को धन्यवाद। यहाँ पे आपने कहा राज्यों में जीते मोदी सरकार, तो क्या केवल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कारण ये चुनाव जीते हैं, तो मोदी सरकार वहां पर बीजेपी सरकार बनी है कि मोदी सरकार बनी है? मोदी सरकार तो केंद्र में है, पर यहाँ राज्यों में भी मोदी सरकार बोलना, वहां पर शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह ने और तमाम नेताओं ने मेहनत की है, उनका नाम भी यहाँ लेना पड़ना पड़ेगा भाई? नहीं गौरव भाई, निसंदेह देखिए हमारे यहाँ विश्व के भाजपा सरकार है, नहीं विश्व के
प्रकांड नेता और भारतीय जनता पार्टी के ये संसाधन और ये गर्वान्वित होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा चेहरा है जिसके विश्वास पे आज भी 140 करोड़ भारतीय विश्वास करते हैं। और आपको बताऊं, नहीं जो कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ता हूं प्रधानमंत्री से लेकर, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित और विश्व की बड़ी पार्टी है। यहाँ एक एक आदमी, चाहे श्रीमान मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान, और रही बात मैं कहता हूं, ये लोग बार बार कहते थे एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज जी को लोग देखना नहीं चाहते, पसंद। आज आपको बता दें, वहां की भांजियों ने, वहां की बेटियों ने उनको भावनात्मक रूप से बहुत लगा हुआ, आज उन्होंने बार बार कहा। अच्छा। और इस बात को मैं कहता हूं, सबका योगदान हो, चाहे कोई भी हो, एक एक कार्यकर्ता का भाजपा का लगा रहा। और बता दूं, जनता में रिपोर्ट, भाजपा सरकार बोलेंगे ना, नहीं भाजपा सरकार तो बोलूंगा ही, भाजपा सरकार बनी है। और ये भाजपा सरकार के लिए सबसे बड़ा चेहरा जो रहा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और इस बात की विश्वसनीयता है कि जब तक मोदी है तो गारंटी है कि देश में विकास का जो मॉडल उन्होंने स्थापित किया है और भारत अब विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। नितिन भाई बड़ी मेहनत की थी, बुराई भी ली, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले और तमाम बड़ी सीटों पर चुनाव लड़े, पर नोटा से कम वोट आना, मंथन करना जरूरी है, संगठन स्तर पर मेहनत करनी जरूरी है, और जो पुराने नतीजे हैं उनके आसपास भी नहीं आए। अगर एक दो जीत भी यहाँ मिलती तो शायद संजीवनी मिल सकती, पर जिस तरह से आप एग्रेसिव होकर वहाँ चुनाव लड़े, कांग्रेस से लोहा लिया, बीजेपी से लोहा लिया, पर यहाँ पर परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। अब क्या देखते हैं, ये परिणाम आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकते हैं और छवि के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, 24 के लिए, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी संजीवनी साबित होंगे, कैसे देखते हैं? धन्यवाद गौरव जी। जी, और सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को उनके तीन राज्यों की विजय के लिए उनको शुभकामनाएं, और राज शर्मा को भी तेलंगाना की शुभकामनाएं। जी, ये तीन राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की जीत और एक राज्य में कांग्रेस की जीत, जी, ये एक स्वाभाविक राजस्थान जैसे एक उदाहरण है। राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आती है, परिणाम वैसा ही आया, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। अच्छा, ठीक। मध्य प्रदेश, ये सच है, मध्य प्रदेश में ये तो इच्छाएं थी, परिणाम उसके विपरीत आए हैं, ये आत्ममंथन का और आत्मचिंतन का विषय है। जी, और इसमें ये भी कहा जाए कि कुछ लोगों का अति विश्वास और कुछ लोगों का अति उत्साह में, या उसको अहंकार जैसे शब्दों से नहीं का इस्तेमाल करें तो ठीक होगा, बोल लीजिए, इसका भी कुछ परिणाम हो सकता है। जी, और जैसे कि पूर्व मिजोरम में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश गया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो MNF की सरकार थी, जी, वो पूरी तरीके से जनता ने उसको नकारा और वहां पर ZPM को पूर्ण बहुमत, 19 बनी पार्टी को बहुमत मिला। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी, और जनता ने देखिए, जनता है किसको कब बैठा लेती है, कहाँ बैठा लेगी, वो उसके समझ की बात जी, है जी। लेकिन देश के पैमाने में आगे चल के जो स्थितियां हो रही हैं, देखिए हर राज्य की अलग स्थिति होती है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो आपने एक बात कही, तो उसको संशोधित कर दूं, समाजवादी पार्टी 48 सीटों को वहां चुनाव लड़ी थी जी। और जहाँ एक तरफ आप कुछ कम वोटों की बात कर रहे हैं, वहां 32,000 वोटों की भी चर्चा कर लीजिए। निवाड़ी जैसी विधानसभा में 32,000 वोट लेकर के आए, 28,000 वोट लेकर के आए, 30,000 वोट लेकर के आए, 26,000 वोट लेकर के आए, तो ये भी जो, हाँ, हम लोग पहले भी जीत रहे थे और जिनका हम लोगों ने दावा किया था कि ये सीटें हमारी जीती सीटें और यहाँ हम लोग जीतेंगे, तो कांग्रेस से जिस तरीके से बातचीत थी, लेकिन जो दौर का था वो बीती ताई विचार दे आगे किस दिले की, हम लोग विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं जी, तो जो बीत गया वो बीत गया, आगे का हम लोग समीक्षा करेंगे और आपसी पार्टी के अपने रणनीति के, देखिए हम लोग एक पार्टी है और पार्टी है तो अपने पैर पसारेंगे, अपने कहा मध्य प्रदेश में कार्यालय बनना, बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग जमीन ली है, मध्य प्रदेश में कार्यालय बनाएंगे, लोग राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे, तो पार्टी देखिए विस्तारवादी भी विचार होना ही चाहिए, तो हम लोग विस्तारवादी विचारधारा के लोग, तो विस्तार तो किया जाता है। नितिन भाई, चुनाव निपट चुका है, 3 दिसंबर तक फैसला मेरे ख्याल आप भी इंतजार कर रहे होंगे, फैसला कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया, तो यहाँ पर अब आगामी लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बन सकती है, क्योंकि पहले भी आप यहाँ पर बोल चुके हैं कि हम सीट देने वाले हैं, लेने वाले नहीं, तो क्या लगता है इतनी गर्मागर्म बहस होने के बाद, इतनी आरोप प्रत्यारोप के दौर होने के बाद, यहाँ पर तमाम तरह की गंदी बयानबाजी होने के बाद भी यहाँ पर
व्यवस्था बनेगी क्या साथ रहने की साथ जुड़ने की? राज संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती जी, तो ये राजनीति है, पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे। अभी हम लोग टीवी में बैठकर क्या इस तरीके की भविष्य की योजना नहीं बता सकते हैं। अभी हमारे पार्टी के नेता बैठेंगे, हो सकता है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक हो, उस पर जिस तरीके की रणनीति होगी, कुछ लोगों का जो अतिश्वास और आत्मविश्वास था उस पर भी आत्मंथन हो, और हो सकता है कि देश के लेवल पर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी को डट के मुकाबला करने के लिए सक्षम बैठी है, देखा विधानसभा, बड़ा बयान दिया है अकेले पर्याप्त। बिल्कुल निश्चित रूप से गौरव जी, देखा कि हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच मात्र 1,00,000 वोटों का अंतर रहा। अगर हमारी पार्टी इस तरीके से हम लोगों ने इधर काम शुरू किए हैं जी, पर बूथ हम लोगों ने 50 वोट का जो रेशियो रखा है, 1,00,000 वोट, क्या हम लोग उससे बहुत आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये तैयारी करके हर पार्टी रखती है, आम आदमी पार्टी हमारे तकी भाई बैठे हैं के लोग भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, कांग्रेस के शर्मा जी बैठे, इनकी भी पार्टी 80 सीटों की तैयारी कर रही है, तो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। और देखिए जहां जहां परिणाम आए तो कोई 100% रिजल्ट तो किसी पार्टी को प्राप्त नहीं। सवाल आपसे और रहेगा, देखिए कहती छोटा सवाल और रहेगा भाई, आपको ये लगता है कि अगर यहाँ पर INDA गठबंधन के घटक दल है, अगर यहाँ पर एक साथ होकर चुनाव लड़ते कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां, छोटे छोटे दल है, तो यहाँ पर कुछ बदलाव आ सकते थे? जो परिणाम आए हैं वो सब पलट जाते परिणाम? निश्चित रूप से गौरव जी, जो फार्मूला लोकसभा के लिए तय हुआ था जी, वर्ग के सामने हुआ, अगर इस फार्मूले पर चुनाव होता जी, और मैं अब कहना चाहता हूं, चूंकि ये सवाल ऐसा है, इस पर जवाब बनता है, अगर कांग्रेस पार्टी अपना अहंकार छोड़कर तमाम दलों को अपने साथ लेकर लड़ती तो आज परिणाम इतने चौंकाने वाले होते, जो रिजल्ट मध्य प्रदेश में भाजपा का है वो कांग्रेस का होता, कांग्रेस है वहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती, ये सीधे सीधे परिणाम होते। आप हमारे वोटों को देखिए मध्य प्रदेश में, बिल्कुल 40-50 सीटों में, इसके बाद देखिए नेता के बयान का असर पड़ता पूरे प्रदेश में। ऐसा नहीं कि पार्टी हमारी है वहां पर मध्य प्रदेश, बिल्कुल राजस्थान में भी हमारे नेता की अखिलेश यादव की अपील जनता ने स्वीकार कर ली, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, नितिन भाई बोल कर आए थे सपा प्रमुख कि वोट नहीं देना धोखेबाज पार्टी है, जनता ने गंभीरता से ले लिया लगता है। पार्टी भी पार्टी और अंग्रेज भी उस समय तो जो स्थिति थी, हमने अपने लिए वोट की अपील की, जो भी नेता जाता है अपने लिए वोट की अपील करता है, बिल्कुल जो पार्टी चुनाव लड़ती है स्वाभाविक है हम लोग लड़े। चल ठीक है, पर कांग्रेस के लिए भी अपील की थी कि डुगर पार्टी है वोट मत देना, हमने सुना है। प्रवक्ता हमारी पार्टी सही मोहम्मद तकी, तकी भाई आप लगातार कह रहे थे कि गुजरात जैसा चमत्कार करेंगे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपकी मेहनत की चर्चा मध्य प्रदेश लगातार, बड़ी संगठन मजबूत भी रहा है, पर आपके साथ भी स्थिति बड़ी खराब रही, एक भी सीट नहीं आई, हालत गंभीर, इतनी मेहनत, इतना संगठन, इतनी मजबूती, इतनी रैलियां, इतना आश्वासन, इतना भरोसा, सब चकनाचूर हो गया। यहाँ पर जो बात मैंने नितिन भाई से पूछी है कि आपसे पूछा तो, क्योंकि आपने तो यहाँ पर प्रयास ही नहीं किया, कांग्रेस से गठबंधन की बात ही नहीं की, समाजवादी पार्टी तब भी प्रयास किया, लगी रही कि हाँ कुछ सीटें मिले और यहाँ पर बात बने, पर मैं ख्याल से आप तो शुरू से ही बोलते चले आ रहे हैं कि अकेला चलो हो की नीति पे हम चलते आ रहे हैं, उसी पे चलेंगे, और सार यहाँ पर जुड़ जाते तो कुछ परिणाम बदल जाते, पर यहाँ पर आपको जो परिणाम मिला है, अब आपको मंथन की जरूरत है, अकेले चल नहीं पाएंगे, ये दिल्ली और पंजाब नहीं है, बताइए सर मोहम्मद तकी। और जो इंडिया गठबंधन कहीं नहीं लड़ रहा था जी, इस चुनाव के जरिए अगर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि इंडिया गठबंधन का वो आत्म बल जो है और जो उसका अपना विश्वास वो तोड़ पाएगी तो वो बिल्कुल नहीं वो तोड़ पाएगी, और विश्वास और बढ़ा है। अच्छा हुआ इसी नतीजे इलेक्शन से पहले आ गए और सब लोगों को अपनी परिस्थितियां क्लियर हो गई, कांग्रेस को भी जो मुकाबले थे मुकाबले से बाहर आ गए, अच्छा समाजवादी पार्टी को भी समाज निकल गया, आप मुकाबले से बाहर आ पाए कि नहीं, आम आदमी पार्टी को भी क्लियर हो गया, अच्छा
तो ये तो एक रिहर्सल थी, सेमीफाइनल था। अच्छा, हमें लगा सेमीफाइनल था, आप तो रिहर्सल बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। हाँ, मुझे लगा सेमीफाइनल रिहर्सल था। हाँ। और इसके बाद जो चुनाव होगा 2024 का चुनाव होगा, जिसके लिए इंडिया गठबंधन किया गया है, उसका परिणाम और अच्छे आएंगे। अच्छा। इंडिया गठबंधन के लिए। अच्छा। और बीजेपी जिस तरह से बार बार लगातार इंडिया गठबंधन को पूरे चुनाव में टारगेट करती आई है, वो साफ दिख रहा था कि बीजेपी कितनी हताश थी, कितनी हारी हुई थी, वो इंडिया गठबंधन से मानसिक तौर पर पहले ही हार गई थी। अच्छा। इस चुनाव में जो चुनाव नहीं था, ये चुनाव इंडिया गठबंधन से नहीं था। अच्छा। वहां बीजेपी ने इतना हावी कर लिया उसको अपने ऊपर कि वो मानसिक रूप से पहले चुनाव हार गए। अच्छा। चुनाव अब होगा 2024 में, अब होगा इंडिया। अच्छा। वर्सेस बीजेपी। अच्छा। जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियां हमारे जो घटक दल है साथ में है और चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और आपको ये जो भी क्या देखने को मिलेगा, जो वादे किए गए हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी रैलियां करी, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, वो वादे अगले 6 महीने में कितने उतर पाते ये भी जनता देख लेगी। अच्छा। एक बार और बीजेपी का नकाब गिर जाएगा, एक बार बीजेपी का और पर्दाफाश हो जाएगा। अच्छा। और रही बात अरविंद केजरीवाल में, नरेंद्र मोदी जी में, तो अरविंद केजरीवाल में नरेंद्र मोदी जी में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। अरविंद केजरीवाल अपने आप को साबित कर चुके हैं, उन्होंने जो वादे किए सब पूरे कर दिए। अच्छा। जो हमने वादे किए अभी तक दिल्ली में 40-45 वादे, सारे वादे पूरे कर दिए। मोदी जी को 9 साल रहने के बाद, उतने सारे राज्यों में रहने के बाद, अभी भी अपने आप को साबित करना है। बताइए कौन से स्टेट में उन्होंने बिजली सस्ती करी, कहां उन्होंने महंगाई को कम किया, कहां शिक्षा उन्होंने अच्छी करी, आप कोई स्टेट बता दीजिए जहां पे बीजेपी के 30-30 साल सरकार है, वहां स्कूलों की हालत देख लिया। अच्छा। उत्तर प्रदेश में देख लिया, डेंगू चिकनगुनिया चल रहा है, बुखार फीवर चल रहा है, क्या हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो चीजें सामने हैं, जनता देख रही है। और ये बहुत अच्छे परिणाम आए। अच्छा। मैं स्वागत जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परिणाम के लिए। आप इस क्या बात है, केजरीवाल ने वादा किया पूरा किया। अच्छा, चलिए ठीक है, सही मामला तक और बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं गजेंद्र भाई को ले रहा हूँ। गजेंद्र भाई, आपने पहले भी कहा था और यहाँ पर आपकी बात यहाँ सत्य साबित हुई, अब मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या समीक्षा है, ये जो विश्वास बीजेपी को मिला है 24 में 3 राज्यों के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है? देखिए, 3 राज्यों पर ही सभी दल जो यहाँ बैठे हैं या जो यहाँ नहीं है जी, सभी कहते थे कि यही लोकसभा का सेमीफाइनल है, सब कहते थे। जी बिल्कुल कहते थे, इसके बाद तो निपटा दिया जाए। क्या बात, अब जो निपट गया वो कहाँ है, क्या बात। और जो ये कह रहा है कि हम होते साथ में तो इसके परिणाम कुछ और होते, अरे संगठन विहीन थे आप लोग, लीजिए जमीन पे संगठन लड़ता है, हमारी पार्टी संगठन विहीन थी, उत्तर प्रदेश नहीं है ये, लीजिए समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों लड़ती है भाजपा से, क्योंकि संगठन है उसके पास है। क्या बात है, मध्य प्रदेश में संगठन है तो विस्तार कर तो रहे, राजस्थान में संगठन है, देखिए नोटा से भी कम वोट मिला है, कौन सा संगठन है, संगठन के लोग ही अगर वोट दिए होते तब भी स्थिति अच्छी होती। देखिए यह बात अनर्गल है, और जब आप विरोध करते 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 प्रधानमंत्री से लगा करके सनातन धर्म का विरोध पे जब आप आते हैं, अच्छा, तो सनातनी बैठा हुआ है वहां, अच्छा, वह आपकी सब बातों को सुनता है, अच्छा, और वह देख रहा है आप लोगों का नूरा कुश्ती, अच्छा, कि राज्य के चुनाव में यह स्थिति है और लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है कि हम लोग एक साथ आएंगे, लीजिए जो आपस में कुछ छोड़ा नहीं है किसी ने, अरे राजनीति का जो स्तर है बोलने का, इस आप देखें तो पिछले 10 साल में बिल्कुल अपने माने जो बोलते बुरे दौर में आ गए, निम्नतर स्तर पे बोले, हाँ, बुरे दौर कहा जाए, बिल्कुल बुरा दौर कहा जाएगा, बिल्कुल, और इस दौर का परिणाम है ये जो ये जनादेश आप जो देख रहे हैं इस समय ना जी, जब आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात करेंगे जी, और आप हिंदुत्व पे जब आते हैं तो सनातन धर्म पे बात करेंगे, मिटाने की बात करेंगे उसको, अच्छा, तो सनातन धर्म के लोग ये जानते हैं कि हाँ आप मिटाना चाहते हैं, आप वो मिटना नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो जब मिटना नहीं चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे वो। अच्छा। यही परिणाम है, तो हार की पता क्या? भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि हम सनातन की रक्षा करेंगे, और एक पार्टी क्या कहती है, सनातन का विनाश करेंगे। अच्छा। तो दोनों का साफ साफ अंतर है। अच्छा। सनातनी कहा जाएगा, वो देख रहा है कि हमारा विनाश कहाँ होगा, वो ये भी देख रहा है कि हमारा सुरक्षा कहाँ होगा।
अच्छा। तो सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पर। अच्छा। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली से क्या बोला राजस्थान में, उत्तर प्रदेश की हालत है, राजस्थान उत्तर प्रदेश का एक जो बड़ा अंतर था वो अंतर यह था गला काट करके वहां वो घूम रहा था, उत्तर प्रदेश होता घूमने नहीं देते योगी, ये अंतर है। अच्छा। लोग सुरक्षा चाहते हैं, विकास भी चाहते हैं, आम आदमी आदमी पार्टी से मैं यहां पर सहमत हूं, विकास हर कोई चाहता है, स्कूल सब लोग चाहते हैं, हॉस्पिटल सब लोग चाहते हैं। अच्छा। लेकिन भैया सुरक्षा सबसे पहले चाहते हैं। अच्छा। ठीक है, वह चाहे देश की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, सभी सभी सुरक्षा पर। अच्छा। सब लोग चाहते हैं कि काम हो, जो सरकार रहे वो हम लोगों को शांति से रहने दे, व्यवस्थित रहने दे, तो उस पर भी वोट पड़ता है। तेलंगाना में क्या कहेंगे गजेन भाई, वहां जीत कराइए। मैं क्या कह रहा हूँ अब देखिए, मैं आता हूँ वहीं पे। कांग्रेस जो चाहती है, सनातनी नहीं है क्या? अरे हम क्या कह रहे हैं, आप ये सोचिए ना, जहाँ वो एक सीट पे थे मत दिया उन्होंने उसको। अच्छा। मत दिया दूसरी बार, बस आने वाला है स्थिति वहाँ। अच्छा। वहाँ का भी देखिए, हमारे यहाँ क्या है, सीटें बढ़ा कर आए, हिंदू सोया रहता है। अच्छा। जगता है, अब हिंदू जगा रहा है। अच्छा। देखिए क्या हो रहा है, हिंदू हिंदू को जगा रहा है। तकी हंस गए आपकी बात। आप यह बताइए आज के डेट में हिंदू सो रहा है, आज के डेट में हर हिंदू को जगाने का तकी भाई प्लीज, तकी भाई सुन लीजिए, आपकी बात आएगी, तकी भाई मौका दूंगा आपको, तकी मौका बात आएगी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। देखिए इन्होंने लोगों को लगता था कि भाई ममता बनर्जी से कैसे लड़ाई होगी, लड़ा ना, खूब लड़े, अगली बार स्थिति वहां पे देखिएगा ये लोग सरकार में आ जाएंगे, सरकार में। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा 373 होगा सरकार में, संगठन विहीन, देखिए संगठन विहीन कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकते। अच्छा। इसको आप जान ले पहले, क्यों कि धरातल पे संघ है। ये बताइए छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, आप लोगों के पास में, मीडिया के पास से लेकर के सभी लोगों के पास ये स्थिति थी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो कांटे की टक्कर है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के पास है जी। उन्होंने संघ की पूरी ताकत झोंक दी ना वहां पे, क्या स्थिति बनी, एक एक संघी के ऊपर, एक एक जो कहा जाए वहां पर संघी के ऊपर 10-10 लोगों की जिम्मेदारी दी गई थी, 12 लोगों की जिम्मेदारी है। अच्छा। ठीक, क्या स्थिति बनाया उन्होंने, 3 महीने में मत दिया पूरा धरातल पे। जैसे सपा यहां लड़ती है ना, इन लोगों को लड़ना पड़ेगा। ठीक, और जब यहाँ जैसे यहाँ के जैसे जब होगी लड़ाई, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी से ये लड़ पाएंगे। मैं केवल एक बात लास्ट में कह रहा हूँ, कांग्रेस के लिए भी शुभ दिन है। शुभ दिन, अच्छा बिल्कुल, कांग्रेस का जो अब कोर वोटर है ना, वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा। आप वोटों का वो देखिए ग्राफ। अच्छा। आप राजस्थान देखिए, आप एमपी में देखिए जी, मध्य प्रदेश में भी, एमपी में भी आप स्थिति देखिए कि परसेंटेज आप वोट कांग्रेस को प्रॉपर मिला है जी। ठीक है, प्रॉपर मिला उसको वोट जी। वोटों की थोड़ी सी कमी, जहां उन्होंने कहा अभी लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा, और कांग्रेस का हर सिपाही जब इस बात को स्वीकार करेगा कि गलती मुझसे हुई है, इसी को कहते संगठन। जब संगठन खड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ा वोट नहीं था वो, जितने वोट से वहां पर हार और जीत हुई है। 24 की संजीवनी मिली है बीजेपी को, संजीवनी तो है ही है भाई, सेमीफाइनल जीत गए। और क्या हुआ इन लोगों में, अब ये लोग टीवी के डिबेट में जो भी बोल दें, अंदर से हतोत्साहित हैं ये। अच्छा। ये सोच रहे हैं अब क्या होगा। ठीक, और अकेले तो उनसे कोई नहीं लड़ सकता। ठीक, ये क्लियर है। ठीक, जो अकेले लड़ा वो खत्म है। ठीक ठीक है, जसवंत भाई आपको सबका जवाब दे रहे, नितिन भाई का, राज शर्मा का, सैम तकी ने भी कहा कि केजरीवाल जी भी गारंटी देते रहते हैं, सबका जवाब आपको देना, फिर मैं प्रवक्ता कांग्रेस की बात लूंगा। जसवंत जी जवाब नहीं, मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी शुरू करूंगा। केजरीवाल की एक और गारंटी है। अच्छा, लीजिए। 3 मंत्रियों को जेल भेजने की गारंटी लीजिए, दिल्ली को कूड़ा कचरा करने की, और तीसरी गारंटी बताऊं, अब स्वयं भी जेल जाने की गारंटी लीजिए, वो पक्का पूरी होगी और इसी वर्ष के अंत में होगा। और दूसरी बात सुनिए, विनम्रता पूर्वक मैंने आपसे कहा, आप बोलेंगे तो मैं करूंगा, आप बोले तो मैं, सचिन साहब आपसे ज्यादा मैं बोलता हूँ, विनम्रता पूर्वक। और आज आपने संसद में भी यही किया, प्रधानमंत्री ने आपसे अनुरोध किया कि ये नकारात्मक छोड़िए,
सनातनी धर्म को आपने इतने अपशब्द कहे तीनों लोगों की पार्टियों ने। अच्छा। और आपको बता दे बूथ मैनेजमेंट मोर आप छत्तीसगढ़ की अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे वोट बढ़े। हाँ। अरे मोर छुइया भुइया की कसम महादेव घोटाला जब आया तो विश्वसनीयता पे क्रेडिट हो। कमरे में बैठ के नाश्ता करना और वीडियो पे आ जाना बात अलग है। वहां छत्तीसगढ़ ने कहा मोला तोला भ्रष्टाचार न सब हो अब छत्तीसगढ़ से निकाल के रहो। और आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी वहां के प्रदेश अध्यक्ष सांसद राव जी ने जब टीम के साथ एक एक बूथ पर जाना शुरू किया तो आपको बता दें अंदरूनी रिपोर्ट है। मैं भी दो दिन के लिए गया था। आपको बता दूं उन्होंने कह दिया कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पे नहीं सहेंगे। राजस्थान की बात आप करते थे ये लोग बार बार कहते थे गहलोत जी ने मुफ्त की रेवड़ियां देना अलग है। धरातल पे आप देखिए कितनी हत्याएं हुई। गौरव भाई आप यहां कहे दिल भर आता है लेकिन आज मैं उन सब चीजों को नहीं कहता हूं लेकिन विनम्रतापूर्वक अगर ये नकारात्मकता अगर सनातनी धर्म को आप करेंगे और रही बात आप कह रहे हैं जहां मिजोरम की बात वहां भी हम कांग्रेस से आगे हैं। राज शर्मा भी बहुत बोल रहे थे हम जग रहे थे। हाँ। वहां भी हम दो सीट है वहां कांग्रेस एक सीट है आप टैली देख लीजिएगा मैं देख के आ रहा हूं। और रही बात तेलंगाना की बात तो हम भी वहां एक से आठ में आए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखिए कल हम लोगों ने इलेक्शन जीता विनम्रतापूर्वक जनता को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान को धन्यवाद दिया और आज हमारा संगठन का कार्यकर्ता एक नए अभियान में लग गया और आपको बता दें लोकसभा की तैयारी के लग गया। अच्छा। इनके यहाँ तोड़फोड़ होता हमारे यहाँ जनता से जुड़े जो कार्यक्रम है वो तुरंत शुरू। ठीक है थोड़ा धीमी गति हुई अब उसको भारत अब भारत जो है विश्व की प्रथम तीन अर्थव्यवस्था में आएगा। और रही बात चाहे रोजगार देने की बात हो चाहे किसानों के इन्होंने तुष्टीकरण जो किया अगर आप समाज में मैंने पहले भी कहा था गौरव भाई जातिवाद क्षेत्रवाद संप्रदायवाद भाषावाद नक्सलवाद इस प्रकार की नकारात्मकता करेंगे तो जनता जानती है। आप आपस में लड़ रहे थे अरे आप कार्यालय खोल लीजिए समाजवादी पार्टी को शुभेच्छा है लेकिन जिस हिसाब से शब्दों का अखिलेश व अखिलेश कहना और आप कांग्रेस के पनौती के अगर उस बात का उत्तर तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की छत्तीसगढ़ की जनता ने दे दिया लेकिन आज भी अगर उस बात को लेकर आप सदन नहीं चलने देंगे अरे आप भी रचनात्मक करिए कोई ऐसा उदाहरण पेश करिए। 18 साल के बाद अगर हम 5 साल फिर आए गुजरात मॉडल था मध्य प्रदेश मॉडल था उत्तर प्रदेश मॉडल है आप देख लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में कोई आज गुंडा भ्रष्टाचारी डरता है जानता कि जेल में चले जाओ नहीं तो ठिकाना बुलडोजर चल जाएगा। और राजस्थान में भी आपने देखिए लाल डायरी पीली डायरी नीली डायरी कितनी डायरियां अभी खुलेंगी यार गौरव भाई उस पर मैं आज बात नहीं करना चाहता हूं। विनम्रतापूर्वक इस जीत को हम स्वीकार करते हैं। और रही बात अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं 49% ये आपके इसी चैनल पे बहुत बार इन्होंने कहा अरे कब लागू होगा आरक्षण तो पास कर दिया अभी तो 26 में गणना होगी 29 में ये आएगा वो आएगा। आपको बता दें नारी शक्ति का ऐसा अपमान करें ये भारत देश है और यत्र नारिस्तु पूज्यंती की देवता की धरती है यहां अगर मातृशक्ति को और हम सब आपको बता दें जब माता आ जाती गौरव भाई निसंदेह आप भी हो माँ के आगे फिर सब नतमस्तक हो जाता है और विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। और अभी भी मेरा निवेदन है विपक्ष की पार्टियों का आप बैठ के मंथन करिए जनता को डिलीवर करिए आप डिलीवर नहीं करते हैं। अगर आप विश्वसनीयता नहीं बनाएंगे तो वही बार होगा बार बार मोदी सरकार यह मोदी की गारंटी है और मोदी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह साबित किया 10 वर्षों में जहां डबल इंजन की चरा का सरकार रही जहां अकेली सरकार रही चाहे हम पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे हम जनता से जुड़े रहे जनता के मुद्दों के साथ जुड़े रहे हम किसानों गरीबों युवा रोजगारों के साथ जुड़े रहे और उस बल पे हम अपनी बात कहने में सफल रहे। केवल कमरे में अति विश्वास हो जाना छत्तीसगढ़ में ये आपको बता दें इतने अति विश्वासी हो गए थे कि आपको बता दें वहां के मुख्यमंत्री आप देख रहे थे मैं बहुत चैनलों देख अरे आपकी 75 पार है आप देखिएगा बस आते ही अब हम सरकार में आ रहे हैं। और जब हम जनता के बीच गए और महादेव घोटाले की बात उन्होंने सुना तो वहां की जनता भोली भाली। आपको बता दें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग बहुत सीधे जब उनको लगा कि मुख्यमंत्री लिप्त है लाल डायरी में कितने लोग के नाम है आप देखिएगा जांच होगी भ्रष्टाचार में कितने हैं। और रही बात मैं आज इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं आप और सभी जनता को मध्य प्रदेश राजस्थान की और भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत चाल चरित्र स्पष्ट है हम देश की सेवा के लिए हैं कर्मयोगी प्रधानमंत्री देश की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे और भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक ठीक है पंडित राज शर्मा को बोल रहे थे पंडित जी अब जवाब आपको देना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव जीती है इनको बोलने का अधिकार है इनको गुब्बारे में हवा भरने का अधिकार है लेकिन मेरे भाई मेरे भाई अब सुन लो मैं नहीं बोला मैं फिर डिस्टर्ब कर चलिए बोलिए बोलिए नाराज मत होइए बोल ना भाई जी बोलिए मगर मेरा भाई गुब्बारे में कुछ ज्यादा हवा नहीं भर रहा लीजिए गुब्बारा हवा ना भरे
और एक और बात कहना चाहता हूँ, किसने सनातन धर्म को गाली दी? सनातन धर्म को अगर गाली दी तो आपके नेता ने दी। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने क्या कहा था? सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है। लीजिए, नहीं नहीं, गलत बात आप कह रहे हैं। सनातनी को जो आपने कहा, आपने प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा, चौकीदार कहा, चोर कहा, मौत का सौदागर कहा, पनौती कहा, आपने ये चैनलों पे कहा, जिम्मेदारी से कहता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्द कहेंगे तो देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और आपको बता दें, कांग्रेस समाप्तवादी पार्टी बनकर रह जाएगी, इतिहास के पन्नों में फिर कोई नाम नहीं लेगा। इस प्रकार के अगर देश के चुनिंदा प्रधानमंत्री और 140 करोड़ का अगर आप अपमान करेंगे तो यही रिजल्ट बार बार आएंगे। 55 चुनाव हो गए, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, 55 चुनाव में राहुल गांधी ने जो भाषा का उपयोग किया, कभी जनता की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। और यही मोदी की गारंटी है, जो उसने किया, जो उसने कहा और जो किया वो नहीं कहा। ठीक है, लेकिन आप लोग ने जिस भाषा में, चले और पानी पी लीजिए। अरे भाई, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। देवन भाई, आप लोग जो लगे कि मेरे को समझ गया, और आज आप हारने के बाद भी संसद नहीं चलने देना चाहते। बारी 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 देवन भाई, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। देवन भाई, जनता भी समझ पा रही है, सुन लीजिए, मौका दूंगा आपको। जीत के नशे में, अच्छा, ये लोग जीत के नशे में, शांत रहिए। इनका नशा चूर होगा, प्रधानमंत्री जर्सी गाय कह दे, वह बुरखों का सरदार कह दे, इलू इलू कह दे, ये शोभा देता है। ये शोभा देता है प्रधानमंत्री जी को, नहीं शर्म नहीं आती आपको? लीजिए, फिर कह रहा हूँ, आप शब्दों का इस्तेमाल बड़ी मर्यादा से करिए। काम करना, हाँ, पंडित राज, कांग्रेस वाले शब्दों का मर्यादा आप ध्यान रखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप व्यक्ति मत बोलिए। आज आज मैं नहीं बोलना चाहता हूँ आप, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द मत बोलिए। एक मिनट मुझे बता दो, मेरे प्रधानमंत्री है नहीं है, हाँ या ना बोलिए। आप तभी ऐसे मर्यादित शब्दों का प्रधानमंत्री के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा आपके प्रधानमंत्री होते तो आप ऐसे शब्द ना इस्तेमाल करते। मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है, यही भाषा शैली ले डूबी कांग्रेस को। अरे बोले, उनको बोले, अरे छोड़िए, अभी नहीं, आप लोग पता क्या, एक बार सुनिए। अच्छा, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा नहीं कहा था कि सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है? बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। संजय निषाद ने क्या कहा था? राम, दशरथ राम के पिताजी नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत। योगी जी ने कहा नहीं था कि हनुमान जी शूटल कास्ट है? बोलिए, बस वक्त इतना है गौरव भाई जी कि इन लोगों ने झूठ का मुखोटा, अच्छा, जब रामलीला होती है तो हम लोग मुखोटा पहन लेते हैं। बात है कि हम अपनी बात समझा नहीं पाए, ये बात मैं मानता हूँ। झूठ का मुखोटा पहन तभी जीत जा रहा है, दिक्कत क्या है? जैसे मैं दो बात कह रहा हूँ, मैं जनता जनता नहीं समझ पा रही क्या? मैं दो बात कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को मैं गलत शब्द कहूँ मैं पाप का भोगी, लेकिन प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जर्सी गाय कहें, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को हाइब्रिड बछड़ा कहें, मुझे लगता है ये भी शर्म की बात है। बताएं भैया, बता दो बीजेपी के प्रवक्ता, एक बार कह दो प्रधानमंत्री जी ने गलत कहा। चल ठीक है, बोलिए, मैं जवाब लूंगा, पहले नितिन भाई को। ठीक के अपने अपराधों को बंद नहीं कर पाओगे? ठीक ठीक है, नितिन भाई की बात, नितिन भाई, हवा भरना गुब्बारा फूट जाएगा। चलो ठीक है नितिन भाई, राज भाई तो नाराज हो गए और जसवंत भाई जवाब, नितिन भाई बात कह रहा हूँ सही। ठीक है, चलिए ठीक है नितिन भाई, यहाँ पर जसवंत भाई ने बोला है जी, जसवंत भाई ने बोला है तमाम चीजें, और गजेंद्र पाठी ने भी आपको बताया कि यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर अगर एक साथ होते, वो आपने भी कहा कि अहंकार खा गया और अहंकार चलते यहाँ पर नुकसान हुआ है, साथ रहते। पराज शर्मा ने इस चीज को भी, तनक भी इस बात पर चर्चा नहीं की। राज भाई, आपने नहीं बताया कि अहंकार खाया कि नहीं खाया आपको? नितिन भाई बोल रहे थे अहंकार नहीं, थोड़ा हमारा, हम ज्यादा ही उत्साहित थे, अहंकार नहीं था हमारे पास। अच्छा, अति उत्साह अहंकार की श्रेणी में आता है मेरे ख्याल से? अति उत्साह भी अहंकार की श्रेणी में आता है? नहीं 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 नहीं, अहंकार तो तब होता जब किसी को ना समझे, सारी बात हो रही थी, लेकिन हमारे चलो ठीक है, समझने की बात तो चाहिए थी, अच्छा, की बात है। ठीक है नितिन भाई, अति उत्साह था, अहंकार नहीं था, वो सुन लिया आपने। चलिए वो भी ठीक है, अति उत्साह भी जी, कभी कभी किसी भी चीज की अधिकता जी नुकसान करती है जी। तो चलिए, अधिकता थी तो नुकसान हुआ जी, अब उसकी भरपाई करने के लिए आत्ममंथन और आत्मचिंतन का भी समय है, अभी आत्ममंथन और आत्मचिंतन किया जाए जी। और अभी थोड़े दिन देशबंधु भाई को बधाई दीजिए और इनको अपने मुख्यमंत्री बनाने दीजिए और कम से कम प्रदेश के विकास की तैयारियां करने दीजिए, क्योंकि हम लोग भी देखिये, एक लोकतंत्र की ये स्वस्थ परंपरा है कि सारे लोग चुनाव में जाते हैं। अच्छा,
नई सरकार का गठन होता है, जब गठन होता है तो उसको 6 महीने काम करने का समय दिया जाता है, उसके कार्य की समीक्षा होती है, उसके बाद फिर उसकी आलोचना और समीक्षा होती है, उसकी जो भी स्थिति बनेगी। तो पहले तो अब ये लोग जरा डिसाइड करें कि हाँ मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, जैसा लेकर बड़ा भ्रम है। देशबंधु जी से ये भी पूछ लीजिए, क्या शिवराज मामा को दोबारा मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वसुंधरा जी को बना रहे हैं, या चेहरे देख लेंगे? आप अपनी चिंता करिए। अच्छा अरे खिचड़ी पकेगी कि नहीं? अभी तो खिचड़ी की हांडी ही नहीं चढ़ी, फूट गई। खिचड़ी की हांडी ही नहीं चढ़ी, फूट गई, तलखी जाएगी। अरे अजय राय जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाजुक होंगे। अजय राय जो शब्द बोल रहे हैं अहंकार भरे, अब वो आएंगे कि कमलनाथ अभी भी राजभाई नितिन भाई ने भी कहा, कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से निपटने में अकेली सक्षम है। आपको बात ही नहीं की, INDIA की बात ही नहीं की, तो क्या मान के चले कि समाजवादी पार्टी अकेली रहेगी? क्योंकि आपके नेता भी लगातार बोल रहे हैं कि 80 सीट पर तैयारी है। जी बात सवाल यहाँ 80 की नहीं हो रही, 85 की नहीं हो रही, 70 की नहीं हो रही। अच्छा, बात यहाँ दो बातें हो रही हैं। अच्छा, इस बात को यह है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें जनता ने उतना प्रतिशत नहीं दिया कि हम सरकार पर, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात की आपत्ति है। गौरव भाई 2 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपत्ति है कि अगर मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ गलत बोलूं, बिल्कुल आपत्ति मुझे नहीं कहना चाहिए। अभी शायद विश्लेषक साहब कह रहे थे कि 10 साल में जितना राजनीति का स्तर गिरा उतना कभी नहीं गिरा, लेकिन मैं ये भी उम्मीद नहीं करता कि प्रधानमंत्री की बीवी, प्रधानमंत्री के बेटा, उसको आप जर्सी गाय हाइब्रिड ब्रिज कह दे, गुंडों का सरदार कह दे, शायद ये भी प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देगा। अगर ये पाप है मेरा तो मैं 100 बार पाप करूंगा। ठीक है नितिन भाई, राज शर्मा देखिए मान ही नहीं रहे। यही तो अतिशय होता है, बीमारी के साथ साथ दूसरे का अतिक्रमण करना, इसी को तो अतिशय कहते हैं। लीजिए कि दूसरे का अतिक्रमण करना भी तो अतिशय है। जी बिल्कुल नितिन भाई, अब जिसकी बारी है उसको मौका दिया जाए। देखिए ऐसा है जी गौरव जी, प्रधानमंत्री जी के लिए हम एक बात नहीं कहेंगे, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। प्रधानमंत्री जी बड़े हैं, उन्हें क्षमा करनी चाहिए थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी और दूसरी बड़ी पार्टी दोनों बराबर से अपना एक दूसरे की नुरा कुश्ती कर रहे हैं, दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हम लोग अभी इससे बचते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की भाषा आप सबने सुनी है, कोई कह नहीं, नहीं देखिए विनम्रता पूर्वक आज कहा, आपने देखा प्रधानमंत्री ने भी विनम्रता से कहा, सुनिए कल शाम को भी विनम्रता से स्वीकार किया, आज सुबह भी संसद में जो गतिरोध रहा उसके बाद भी उन्होंने वक्तव्य स्वीकार करेंगे। नहीं स्वीकार करेंगे गौरव भाई, वही हमने बोला, फिर वही सेट कर रहे हैं। जीते तो विनम्र से स्वीकार करेंगे ना गौरव भाई, अगर नकारात्मक संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर होता, वहाँ अपनी बात कहिए, समस्याओं का समाधान। आप चलने नहीं देंगे, आप विरोध करेंगे, फिर वही भाषा। नहीं नहीं इतना इस परिणाम के बाद भी मंथन नहीं करेंगे, लड़ेंगे आप चैनल पर लड़ेंगे, अच्छे कार्यो करेंगे। कभी बढ़ाने में अरे कांग्रेस से हम भी बहुत साल विपक्ष में रहे, कभी कोई रचनात्मक विपक्ष की भी भूमिका करिए। दोबारा बोल दीजिए मुद्दे पे आप कह दीजिए भारतीय जनता पार्टी दुर्गति नी हो गया। अच्छी बात है कांग्रेस ने नितिन भाई बोलेंगे, नितिन भाई बोलेंगे, नितिन भाई स्टेटमेंट पूरा करेंगे। बात कह रहा हूँ बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों लोग दूसरों पर अतिक्रमण करने पर ही माहिर है। अब हम लोगों का छोटा छोटा समय छोटी छोटी पार्टियों के लिए वो भी अतिक्रमण कर लेते हैं, कांग्रेस और भाजपा आपस में नूरा कुश्ती करने लगती है, हम लोगों की बात नहीं आने देते हैं। देखिए हम लोग कह रहे हैं बड़ी विनम्रता के साथ कि देखिए भाषाई मर्यादा सबका सबको ध्यान रखनी चाहिए। अरे आप तो अभी गुड बुक में है ही नहीं ना भाई। अरे भाई मध्य प्रदेश से अब लौटे हैं यूपी, अब गुड बुक में आएंगे जब कांग्रेस के, तब कुछ बात होगी। अच्छा कमलनाथ जी भी तो आएंगे लोकसभा में कि नहीं आएंगे भाई? अब वहाँ बताया जाएगा कि अखिलेश अखिलेश है कि श्रीमान अखिलेश जी हैं। नहीं देखिए मध्य प्रदेश से जब हेलीकॉप्टर चलेगा तो अखिलेश अखिलेश की जगह श्रीमान अखिलेश जी हो जाएंगे। अच्छा कांग्रेस धरातल में है नहीं, अब देखिएगा गौरव भाई, अब नया सत्र जब आएगा तो अखिलेश अखिलेश श्रीमान अखिलेश जी में हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का ये अहंकार।
हाँ। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें विपक्ष की पार्टी है समाजवादी पार्टी हाँ। और लड़ती है हाँ। अब इन्होंने वहां इन्होंने जितना सम्मान दिया तो देखिए गिव एंड टेक इकोबिलिजियम थ्योरी यही कहती है कि क्वेश्चन जो है बराबर होनी चाहिए। लड़ती है ना देशभक्त भाई लड़ना दीजिए भाई बोले दीजिए उनको बोले दीजिए भाई विधानसभा में लड़ दीजिए हो गया अरे लड़ने यार लड़ दीजिए नहीं हमें क्या इच्छा है भाई ये लड़ते रहे चले बोले बोले भला हमारा ही है नितिन भाई बोले बोलिए समय बहुत कम बोले हमने कहा ये जीत की खुशी में पूरा पूरा इनका लाइव भाषण करा दीजिए हम लोगों का मौका नहीं देंगे आज ये लोग जो साहब इनको पूरा लाइव भाषण करवा दीजिए अच्छा एक घंटे का हमने कहा देखिए भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव पर ये बात लागू होती है आपने कभी भी उनको किसी के लिए अमर्यादित शब्द बोलते हुए नहीं सुना होगा नहीं। वो सबके लिए सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग भले उसमें कुछ बोल रहे लेकिन नेता हमारे बहुत शिष्ट इसी बात के लिए अखिलेश यादव जी की उनकी भाषा बहुत शिष्ट है सम्मान करते हैं मुद्दों की बात करते हैं राजनीति में सदन में भी बहुत शिष्टता के साथ बात करते हैं बिल्कुल करते हैं लेकिन अब आने वाला समय देखिए हम लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोगों ने जो किया हम लोग अपना आत्मचिंतन और आत्ममंथन हमारी पार्टी कर रही है और उत्तर प्रदेश में चूंकि हम लोग जिस तरह मजबूती से अपना काम कर रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ काम देखिए इनसे बच के रहिएगा नहीं नहीं देखिए नेता ने आप इनसे बच के रहिएगा इन्होंने ऐसा कहा और आपको बता दें अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत चतुर है बहुत चलाक है षड्यंत्रों के जाल में आप फंस न जाइएगा इनके षड्यंत्रों के जाल में आप फंसिएगा नहीं ऐसे सबको फंसा के निपट गए और देखिएगा ऐसा ना दूध दही जो है फट के माथा हो जाए उसका कोई करियर नहीं हो बहुत चलाक पार्टी जिताए गए सड़कों पट्टे बैठाए गए हाँ तरफ बाहर लिखे इसलिए केजरीवाल की गारंटी आ गई है जेल में जाने की बारी आ गई है जो चुनाव नहीं हुआ अरे कह तो रहा है तीन मंत्रियों को जेल में आने की बारी आपकी केजरीवाल की बारी आई है अरे आप देख तो बताइए तकी साहब मिलने उल्ले गए कि नहीं अरे हाल चाल उलचाल ले लीजिए नया वर्ष आने वाला है कुछ हाल चाल ले लीजिए मंत्रियों को अरविंद केजरीवाल तो ईडी के दफ्तर की जगह प्रचार करने चले गए बताओ प्रचार का भी बहाना नहीं है आइए मिल उलाइए अब उनकी बारी है बीजेपी के अमित शाह जी से जेल में मिलने गए थे नहीं भाई देखिए भ्रष्टाचारी बार बार बोले तबियत खराब मत करिए जय मुखर हुआ तकी भाई यहाँ राज शर्मा जवाब दे रहे कुछ राज शर्मा क्या बोल रहा है बताइए मैं कह रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछ रहा हूँ हाँ। अमित शाह बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आप गृह मंत्री के बारे में कह रहे हो वो बड़ी हो कर आए और उन्होंने सुनिए सजा उन गलत चीजों में फंसाएंगे आप आज भी अगर आप प्रमाणिकता के साथ सिद्ध कर दे ऐसी बात नहीं जमानत में छूटे हो आप कभी और राजकुमार इस्तेमाल कर देते हो अभी तमाम घोटाले होरल इस्तेमाल करके करोड़ों अरबों कमाने की उसमें उनकी हिस्सेदारी नहीं है आप देश की जनता को बेहतर समझते हैं कांग्रेस की दुर्गति का कारण है मैं बार बार बोलना चाहता हूँ अमृता पूर्व का राज भाई हो गया चलिए राज भाई हो गया तकी बोले तकी भाई एक मिनट आप तकी में तकी चलिए गुब्बारा फुला रहे हो चलो ठीक गुब्बारा फुला रहे ठीक हो फुलाते रहिए गजेंद्र भाई बोले गजेंद्र भाई आपका समय है देखिए यहाँ आपने अभी देखा ना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरे डिबेट को हाईजेक कर लिया अच्छा हाईजेक कर लिया ठीक ऐसे ही यही नितिन भाई बोल रहे थे गड़बड़ कर लिया डिबेट पूरे देश में चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाए अच्छा नितिन भाई भी यही बोल रहे थे क्षेत्रीय दल को समाप्त करने के लिए योजना यहाँ पे चल रही है जी डिबेट में भी आप लोगों को दिख रहा होगा जी कि दो दो यहाँ पे क्षेत्रीय दल बैठे हैं ठीक है बड़े दल हैं ये भी नहीं छोटे दल हैं लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा और ठीक है आप सभी का इस चर्चा जुड़ने के बहुत धन्यवाद तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी चर्चा यहाँ पर थी जो परिणाम सामने आए इसमें मंथन करना पड़ेगा और व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी यहाँ पर अति उत्साह भी है और आत्मविश्वास भी है
अब अति उत्साह आत्मविश्वास किसको कहां लेके जाएगा, 24 का चुनाव के परिणाम बताएंगे। पर एक बात स्पष्ट है कि यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, यहां पर पार्टियों को समझना पड़ेगा जनता का मूड क्या है। और सबसे बड़ी बात है, जो एक समय होता था हमारे भारतीय राजनीति में त्रिशंकु विधानसभा होती थी, पर यहां पर हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं कि जनता यहां पर एक राय में वोट दे रही है, एक पार्टी को जिता रही है। पहले होता था कि दो तीन पार्टी मिलकर यहां पर सरकार बनाते थे, पर यहां पर अब राज्यों में भी स्थिति ऐसी आ चुकी है कि एक तरफा यहां पर वोट दिया जा रहा है, सरकारें बनाई जा रही हैं। और ये व्यवस्था लगातार हम देखते चले आ रहे हैं कि लगभग 10 से 15 साल ऐसे हो चुके हैं जहां पर लगातार ये चर्चाएं चलती है, एक तरफा यहां पर वोट दिए जाते हैं। जनता जनार्दन वही यहां फैसला करती है और 24 में ही फैसला वही करेगी। अब जनता को कैसे जीतना है, हृदय तक पहुंचना है, अपना मैनिफेस्टो कैसे पहुंचाना है और उनको अपने साथ कैसे लाना है, ये पार्टी को समझना पड़ेगा। 24 चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है क्योंकि यहां पर किसी को सबक मिला है तो किसी को अति उत्साह, किसी को जीत मिली है तो किसी को निराशा, पर निश्चित रूप से यहां पर अनुभव सबको मिला है और अनुभव यहां 24 चुनाव में सबके लिए एक बेहतर साथ देने वाला है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं।